पढ़ा कि जब कोई भी चीज हो, जब किसी चीज पढ़ते समय उसकी आत्मा को समझिए, किसी चीज की आत्मा को अगर आप जीत लिए वह चीज अपने आप आपके जीत में आ जाए। समझ गए? जहां तक ब्रह्मांड की बात है तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए, यानी कि जब मानव मस्तिष्क में संपूर्ण विश्व का चित्र उभर कर सामने आया, जब मानव मस्तिष्क में संपूर्ण विश्व का चित्र उभर कर सामने आया तो इसे ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक मान्य है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेवेंटर ने किया था। जॉर्ज लेवेंटर बेल्जियम का रहने वाला था, यह बहुत बड़ा खगोल शास्त्री एवं पादरी था। जॉर्ज लेवेंटर ने 1960 से 1970 के दौरान बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा था, अरबों वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल काय अग्नि का बना हुआ एक पिंड था, एक गोला था, और इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद चारों ओर इसका बिखराव हुआ और इसके आसपास समान तत्वों का जमा होना शुरू हुआ, जिससे इसके आकार में वृद्धि हुई और इसे आकाश गंगा कहा गया है। आकाश गंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी के नाम जानते हैं, आकाश गंगा को हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। आकाश गंगा नए व पुराने सितारों का समूह होता है। आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार होता है, इसीलिए से हम स्पाइरल के नाम जानते हैं। पूरे ब्रह्मांड में 989 आकाश गंगा है। आकाश गंगा की जब हम बात करते हैं सबसे नजदीक आकाश गंगा एंड्रोमेडा है, मिल्की वे यह आकाश गंगा का ही एक भाग है, जिसे हम दुग्ध मेखला के नाम जानते हैं। यह अंधेरी रात में दिखाई देने वाले चमकीले सितारों का समूह होता है। आकाश गंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में मौजूद गैसों के बादल में बदलाव आता है। इस प्रकार आकाश गंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में मौजूद गैसों के बादल में बदलाव आता है, जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ होती है। नाभिकीय संलयन उसे कहते हैं जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता। इस प्रकार नाभिकीय संलयन के द्वारा सितारों का जन्म होता है। जब सितारा का जन्म होता है तो वह काफी गर्म होता है और ठंडा होकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता, जिसे हम रक्त दानव के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं आकाश गंगा की बात करते हैं, इस प्रकार सितारों का जन्म नाभिकीय संलयन के द्वारा होता। नाभिकीय संलयन उसे कहते हैं जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता, लेकिन जब हाइड्रोजन हीलियम में हीलियम कार्बन में और कार्बन लोहा में परिवर्तित होता है, इससे सितारों में विस्फोट होता है, इसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार सूर्य आकाश गंगा का एक सितारा है। सूर्य के सबसे नजदीक सितारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इस प्रकार सूर्य एवं प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। नासा के अनुसार सबसे पुराना सितारा केपलर 444 है, तो सबसे चमकीला सितारा साइरस है। सूर्य का जीवन काल माना जाता है 5 मिलियन, वहीं समान सितारों का जीवन काल माना जाता है 10 मिलियन। सूर्य विभिन्न तरह के गैसों का समूह होता है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन गैस होता है, तो 26.5% हीलियम गैस होता है, वहीं पर 2.5% अन्य गैसों का समावेश होता है। कोई दिक्कत हो रहा है?